हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स टू बी ब्रॉट टू द एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ द जीपैट 2023। जीपैट एग्जाम देने से पहले या फिर जीपैट एग्जाम के सेंटर पे आपको कौन कौन से ऐसे जो है डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना है एंड व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, यू हैव टू कैरी टू द जीपैट एग्जामिनेशन सेंटर। अब जीपैट का एडमिट कार्ड अब तक नहीं आया है। जीपैट का एडमिट कार्ड आने के बाद एडमिट कार्ड पे ऑलरेडी लिखा रहेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है एंड कौन कौन से स्पेशल प्रिकॉशन आपको लेना है बिफोर गोइंग टू द हॉल। बट उससे पहले मैं आपको वीडियो में इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो सबसे पहले, जैसे आप लोग देख रहे हो, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू द टेस्ट सेंटर। द प्रिंटेड कॉपी, ये एक्चुअली में वन नहीं है, द प्रिंटेड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड डाउनलोडेड फ्रॉम NTA वेबसाइट। सो ये है नंबर वन, सबसे पहले आपको ले जाना होगा जो एडमिट कार्ड हम लोगों को मिलेगा कुछ ही दिन में, वो एडमिट कार्ड हम लोगों को ले जाना पड़ेगा। बहुत सारा क्वेरीज था कि एडमिट कार्ड कब आएगा, तो बहुत जल्द आ जाएगा। एक्चुअली होता ये है कि जो एग्ज़ाम का डेट है वो सबसे पहले आएगा, फिर आएगा एडमिट कार्ड, ठीक है। सपोज़ मान लीजिए कि थर्ड ऐसे 9 अप्रैल को सपोज़ एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, तो 9 अप्रैल को अगर एग्ज़ाम होगा तो उससे ठीक 2 या 3 दिन पहले या फिर मतलब 5 और 6 को आपको दिया जाएगा एडमिट कार्ड। नॉर्मली ऐसे होता है, 3 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड ऐसे कुछ दिया जाता है। सो नंबर वन पे आपको एडमिट कार्ड कलर प्रिंट आउट आपको लेके जाना है, ठीक है। आप लोग कलर प्रिंट आउट लेके जाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग 2 से 3 कॉपी कलर प्रिंट आउट करके रख लो, क्योंकि ये जो है इसका फोटोकॉपी आपको रखना पड़ेगा। तो सपोज़ एक कलर प्रिंट आउट गुम हो गया, तो इन दैट केस आप लोग दूसरा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हॉल में आप लोग एकदम एग्जामिनेशन हॉल पे एक ही ले जाना इन केस अगर नहीं ज़रूरत पड़े तो, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर तक आप लोग 2 दिन कैरी करो, ओके। सो ये हमारा हो गया फर्स्ट। सेकेंड हमारा है 1 passport size फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पेस्टिंग ऑन द स्पेसिफिक स्पेस इन द अटेंडेंस शीट एट सेंटर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ओके। सो सेकेंड जो चीज़ आपको ले जाना होगा वह है 1 passport size फ़ोटो, जिस फोटो को आपने दिया था मतलब अपने फॉर्म फिलअप के टाइम, उस सिमिलर फ़ोटो को आपको लेके जाना होगा अटेंडेंस सीट में चिपकाने के लिए। अटेंडेंस सीट होता है एक जहाँ पे सबका नाम रहता है, उनका सिग्नेचर और एक फ़ोटो, वहाँ पे आपको ये फ़ोटो चिपकाना है और उसके नीचे सिग्नेचर करना है। 2 टाइम करना है, ये एक सबसे पहले एग्ज़ाम के स्टार्टिंग में और एक करना है जाने से पहले, ठीक है। इसके साथ साथ आपको लेके जाना है एनी वन ऑफ द स्पेसिफिक फ़ोटो ID प्रूफ, मस्ट बी ओरिजिनल, वैलिड, नॉट एक्सपायर्ड, ओके। पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, एनी ऑफ द कार्ड, लाइक एनी, कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ चलेगा, लेकिन आपका फ़ोटो उसमें रहना चाहिए। एंड दोनों फ़ोटो ट्राई करो कि सिमिलर रहे, क्योंकि बहुत केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आधार कार्ड में जो फ़ोटोज़ होते हैं वो बहुत पुराना होता है, तो वहाँ पे जो रिकॉग्नाइजेशन है मैं थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ट्राई करो कि जो सबसे अपडेटेड फ़ोटो है उस वाले को ले जाएगा, ठीक है। द नेम ऑफ द फोटो आइडेंटिफिकेशन मस्ट मैच विद द नेम एज शोन इन द एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड से मैच होना चाहिए, अगर कुछ गलत है तो उसको मत ले जाओ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है PWD कैंडिडेट्स या फिर PWD कैंडिडेट्स जो है उनके लिए है PWD सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इफ़ क्लेमिंग रिलैक्सेशन अंडर द PWD कैटेगरी, PWD कैटेगरी इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इफ़ क्लेमिंग द रिलैक्सेशन कैटेगरी बिलो 40% कैटेगरी। तो PWD कैंडिडेट्स को PWD सर्टिफिकेट लेके जाना है मैंडेटरीली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग डायबिटिक हो या फिर आपको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, जो स्पेशल केसेस है उनके लिए कुछ स्पेशल लिया जाता है, तो उनके लिए वो सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, ठीक है, अगर आप उस केस में अप्लाई किए हो फॉर्म फिलअप के टाइम। अब यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं जो एक्चुअली में इम्पॉर्टेंट है, आपको लेके जाना है, इसको भी देख लीजिए। जैसे कि ये मैंने ऑलरेडी कह दिया, एडमिट कार्ड, 1 passport size फोटोग्राफ, एनी ऑथराइज प्रूफ, PWD सर्टिफिकेट। यहाँ पे एक चीज़ और मैं मेंशन कर दूँ, अगर फॉर्म फिलअप के टाइम से लेकर अभी तक आपका कुछ भी लीगल नेम चेंज हुआ है ड्यू टू द मैरिज और डिवोर्स, एनी काइंड ऑफ थिंग्स एक्चुअली हैपन, तो इन दैट केस आपको जो लीगल नेम चेंज का जो प्रूफ है वो आपको लेके जाना है, ठीक है, द प्रूफ ऑफ द चेंजिंग योर लीगल नेम, ओके। सो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और एनी डिग्री और लीगल नेम चेंज डॉक्यूमेंट एनी है, ये आपको लेके जाना है, ओके। इनको छोड़कर कुछ और भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज़ें एक्चुअली में वो आपको लेके जाना है, जैसे कि आप एक वाटर बॉटल कैरी कीजिए, ट्रांसपेरेंट, रिमेंबर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए वो, ठीक है। बॉल पेन कैरी कीजिए, एक बॉल पेन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जो नॉर्मल जो पेन्स होते हैं यूज एंड थ्रो उनको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो आप लोग, जो नॉर्मल बॉल पेन होता है रिफिल वाला उनको कैरी करो। बॉल पेन एक लेके जाना, ब्लू और ब्लैक एनी, ओके, ब्लू और ब्लैक, उसके साथ एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल वाटर के लिए, राफ शीट
आप लोग लेके मत जाना, ठीक है। रफ शीट लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको रफ शीट दिया जाएगा, आपको बस पेन कैरी करना है। रफ शीट वहाँ पे देके जा वो लोग देंगे आपको रफ शीट, और वो लोग उसमें सिग्नेचर करके वापस भी ले लेंगे, तो रफ शीट कैरी करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इसको छोड़ के एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर द नाउ इट इज़, विच इज़ द फर्स्ट इज़ द मास्क इज़ मैंडेटरी, मास्क ले जाना, और दूसरा है सैनिटाइज़र। ओके, सैनिटाइज़र ऑल दो वहाँ पे रहेगा, बट स्टिल आई एम सेइंग मास्क एंड सैनिटाइज़र, मास्क एक दो मास्क जितना हो सके कैरी कर लेना, एंड सैनिटाइज़र भी एक ले जाना, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सारे चीज़ एक्चुअली में एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम हॉल में जाने के लिए ये सारे को चीज़ को लेके जाना साथ में, दैट इज़ ऑल। इनको छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए। और ड्रेसिंग की मैं बात करूँ तो ड्रेस कोड्स ऐसे कुछ नहीं है, सिंपल सा ड्रेस पहन के जाना, क्योंकि ये समर चल रहा है फिलहाल। आई होप इंडिया के मैक्सिमम जगह पे अभी समर चल रहा है, तो फॉर द गर्ल्स एंड बॉयज़ टू एवरी वन आई एम सेइंग, जितना हो सके सिंपल आप लोग ड्रेस वेयर्स, एथनिक वेयर्स आप लोग पहन के जाओ। ज़्यादा जीन्स वगैरह थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो, एंड थोड़ा ज़्यादा पॉकेट वाला शर्ट्स एक्सेट्रा इनको थोड़ा सा अवॉइड करो, नॉर्मल से टी शर्ट्स आप लोग पहन के जाओ। जो बॉयज़ है उनके लिए बता रहा हूँ मैं, आप लोग हाफ स्लीव्स पहन के जाओ, फुल स्लीव को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो। एंड टू द गर्ल्स ऑल्सो, आप लोग हाफ स्लीव्स वाला कुर्ती या टॉप जो भी आपका होता है आप लोग पहन के जाओ, ठीक है। दैट इज़ ऑल अबाउट द वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। अब तक एडमिट कार्ड नहीं आया है, जैसे एडमिट कार्ड आता है आप सबको ये डिटेल्स ऑल्सो देखने के लिए मिलेगा, एंड एडमिट कार्ड रिलेटेड वीडियो में बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।